देखिए अभी 5:45 का टाइम हुआ, अगर अंधेरा देखिए कितना हो चुका है। तो गाड़ियाँ देखो थोड़ी सी आगे करके लगाई हैं, जिससे क्या होता है जगह बच जाती है। इसलिए कम से कम लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, मेरे लिए नहीं सही। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्लॉग पे। सुबह से बारिश हो जा रही है, लगातार हो रही है बारिश, और तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं आज की कार्रवाई दिखाता हूँ आपको, और बस थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाता हूँ, फिर करता हूँ बात आपसे। तो गाइस, लंच बन रहा है अभी, और चावल बन चुके हैं। आज मोटे चावल बनाए हैं क्योंकि किसी के पड़े हुए थे। ये प्याज भून रहा हूँ अभी मैं, और बीच में टमाटर डाल दिए, अभी मसाला वसाला डालूँगा। और अपने अंडे तैयार हो गए हैं, कितने बचे हुए थे ये बना रहा हूँ मैं आज। फिर से अंडे की कड़ी बनेगी आज। आई होप आप गाइस, आपको मन करता होगा खाने का जो मैं बना रहा होता हूँ रोज़। चलो आप वीडियो देख के इंजॉय कर लीजिए, करिए और लाइक ठोक के। और गाइस, अगर आप खाना बनाने में नहीं हो तो आप मेरे से इंस्पिरेशन लेके सीख सकते हो। मैंने प्याज डाले पहले, फिर मैं टमाटर साथ में डाल दिए, गरम मसाला डाला, नमक डाला, अभी हल्दी डालूंगा थोड़ी सी, और थोड़ी सी अजवाइन डालूंगा। फिर जब थोड़ा हो जाएगा तो पानी वानी डाल के, अंडा डाल के फिर पानी वानी डाल दूँगा। तो वैसे आप देख सकते हैं, हल्दी भी डाल दी है, ये लाल मिर्च भी डाल दी है, और चिकन मसाला भी डाल दिया है। प्याज पकना स्टार्ट हो गया। तो गाइस, अंडे काट लेते हैं। देखो गाइस, प्याज का कलर कितना तगड़ा हो गया, गोल्डन ब्राउन। अभी पकड़ते हैं यहाँ से अंडे और डालते हैं इसके अंदर। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पानी डाल दिया। अब इसको पकने देते हैं, ऊपर थोड़ा सा ढक्कन रख देते हैं। ये लेके आ गया हूँ, अब मैं रखने वाला हूँ इसको इसके ऊपर, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ा सा रखते हैं ऐसे कि थोड़ी सी भाप निकलते जाए, आवाज़ से आप पता लगा सकते हो। हाँ, तो गाइस कुछ खा लेते हैं साथ में। ये एक पेयर है, इसको बोलते हैं नाशपाती, ये खा लेता हूँ। तो गाइस, ये बन चुका है, बस मैं खा रहा हूँ अभी, मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, कॉलेज आ रहा हूँ मैं, 5:30 बजे क्लास है आज। तो 5:30 बज चुके हैं, मैं फिर क्लास ख़त्म होती है फिर बात करता हूँ आपसे। हाँ, तो गाइस एक चीज़ समझ नहीं आई मेरे को कि बारिश के दिन ये ज़्यादा ट्रैफिक क्यों होता, कोई मतलब सेंस नहीं बनाता मेरे को। जिन लोगों को पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम उस चीज़ को देख के पता लग जाएगा मेरे को कि क्यों होता है, कैसे होता है। गाइस, एक और अच्छी चीज़ मेरे को लगी है, जो इन्होंने पार्किंग की है ना लोगों ने, तो गाड़ियाँ देखो थोड़ी सी आगे करके लगाई हैं, जिससे क्या होता है जगह बच जाती है पार्किंग के लिए। तो ये क्या है, पार्किंग का अच्छा तरीका है टेढ़ी पार्किंग लगाना, क्योंकि ऐसे ज़्यादा व्हीकल्स लग जाते हैं। ट्रैफिक देखिए गाइस, पर ये नहीं, ये लाइन बड़ी पीछे से लगी हुई है। गाइस देखिए, अभी 5:45 का टाइम हुआ, अगर अंधेरा देखिए कितना हो चुका है। तो गाइस, मैं अभी चलता हूँ क्लास के अंदर, फिर मिलता हूँ आपको मैं इसके बाद, क्लास के बाद। हाँ, तो गाइस अभी लंच, सॉरी ब्रेक हुआ है 15 मिनट का, तो दिखाता हूँ मैं सारा थोड़ा सा बाहर का आपको। हाँ, तो गाइस आज एक खास बात हुई क्लास में, क्या हुआ, एक एग्जांपल दी मैंने, मतलब स्टार्टअप की बात चल रही थी बिजनेस के रिलेटेड। तो क्या हुआ, एक्चुअली ना एक स्लाइड आ गई, तो वो टीचर समझा रहा था कि स्टार्टअप, अगर आपके पास कुछ कैपिटल, कुछ मतलब कुछ पैसे नहीं आपके पास, तो आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कोई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो मैंने एक एग्जांपल दी जियो की, कि जियो ने इतना फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या स्टार्ट किया था। फिर मैंने ये सबसे तगड़ी एग्जांपल आई कि अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है तो आप बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मैंने एक एग्जांपल दी MBA चाय वाला। तो MBA चाय वाले ने क्या किया था, तो वो तो आप सबको पता ही है। तो फिर वो, ये स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है, तो मैं ये आज टीचर को लिंक भेजूंगा इसके बारे में। तो गाइस, अगर आप MBA चाय वाले के लिए, कम से कम लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, मेरे लिए नहीं सही, MBA चाय वाले के लिए कर दो प्लीज़। तो गाइस, मौसम ख़राब ही है पिछले 2-3 दिन से, मे भी सर्दियों में यही होता है कि बारिश होती रहती है बार बार। हाँ, तो गाइस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करता हूँ,
और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, जो कि कल ही होगा सुबह। आज मैंने सामान लिया, एक दाल ली मैंने, 1 किलो चावल लिए और एक कुछ चिप्स का पैकेट लिया। तो मिलता हूँ आपको गाइस नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओब्रिगादो एंड जय भारत।